तकरीबन 3 किलो वजन हो चुका था इसका, 3 किलो का मुर्गा था दोस्तों। चलो यार कुछ नहीं होता स्नान, रो नहीं, चलो यार इसको दफना के आते हैं। चलो उठो यार, कुछ नहीं होता यार, अल्लाह और देगा हमें, फिक्र नहीं करो आप। हिम्मत करो स्नान भाई, कुछ नहीं होता। चलो यार उठो, इसको लेके चलते हैं फिर दफनाते हैं जाके इसको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों हम जा रहे हैं फिशिंग के लिए, नहर पे जाएंगे और प्यारी प्यारी सी मछलियां पकड़ने की कोशिश करेंगे और वहीं से जाके पकड़ेंगे जहां से हमने लास्ट टाइम पकड़ी थी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं नहर पे और जाके मछलियां पकड़ते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आए तब। यार दोस्तों एक बहुत ही बुरी न्यूज़ आ गई यार, हम मछलियाँ पकड़ने जा रहे थे, अजमेर भाई ने आवाज़ दी और कहती है कि मुर्गा मर गया यार हमारा। दोस्तों राजू मुर्गा जो हमारा वो बेचारा मर गया, वो देखें। दोस्तों सुबह से मैंने इसको दवाई वगैरह दे रहा हूँ, मेडिसिन भी दी, इंजेक्शन वगैरह भी लगाए, लेकिन नहीं बचा यार। ये देखें यार इसकी हालत कैसी, बाहर लेके आओ यार मेरे भाई, उठा लो उठा लो उठा लो यार, जल्दी उठाओ, ऐसे उठा लो। बहुत दुख हो रहा है यार, पकड़ो कैमरा ये रखो यार, अल्लाह की तरफ से आया था, अल्लाह के पास चला गया। हिम्मत करो यार, हिम्मत करो स्नान, कुछ नहीं होता यार। इतना अच्छा तो ज्यादा हो गया हमारे पास था यार, अल्लाह के पास हैं भाई जान, क्या कर सकते हैं। देखो यार कितना प्यारा था यार हमारा राजू, हमारे सेटअप पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा हैवी यही परिंदा था, ये भी ना हमारे पास से चला गया। कल हमारा जो नोबी था वो चला गया, आज भी हमारा जो राजू है यार, क्या करें यार, पता नहीं क्या हो गया हमारे सेटअप को, नज़र लग गई है यार किसी की। एक एक करके यार सारे परिंदे मरते जा रहे, अभी सर्दियाँ स्टार्ट होनी थी और हमने इसको ना फाइट के लिए तैयार करना था और मुर्गी भी लेके आनी थी अब, और जो इन्होंने अंडे देने थे ना मुर्गी ने, उससे बच्चे निकलवाने थे हमने। क्या कुछ सोचा था यार, सुबह का मैंने मॉर्फस इंजेक्शन और 10 लाख वाला टीका ना वो लगाया था, मौसम को बुलाया था, मौसम आकर वो लगा के गया, इसको रस भी खिलाए अपने हाथों से। तकरीबन 3 किलो वजन हो चुका था इसका, 3 किलो का मुर्गा था दोस्तों। चलो यार कुछ नहीं होता स्नान, रो नहीं, चलो यार इसको दफना के आते हैं। चलो उठो यार, कुछ नहीं होता यार, अल्लाह और देगा हमें, फिक्र नहीं करो आप। हिम्मत करो स्नान भाई, कुछ नहीं होता। चलो यार उठो, इसको लेके चलते हैं फिर दफनाते हैं जाके इसको। दोस्तों सबसे पहले ना आज इसको दफना के आते हैं, इसका यार जो है ना इसको जल्दी जल्दी दफना के फिर आते हैं सेटअप में। अगर दिल किया ब्लॉग बनाने को तो बना लेंगे, वरना फिर नहीं भी एंड कर देना ब्लॉग यार। तो दोस्तों अब दफनाने जा रहे हैं इसे जंगल में, काफ़ी गहरा गड्ढा खोद के इसे दफनाना है हमने, ताकि कोई जो है ना जानवर इसे खा ना जाए। ये जगह ठीक लगती है उस, तो यहाँ पे ना इस जगह पे दफना देते हैं इसे गड्ढा खोद के, तो इसे रखता हूँ साइड पे पहले। इतना
गड्ढा खोदता हूँ। दोस्तों गड्ढा तो खोद लिया है दोस्तों, अब रखने लगा इसको इसकी कवर में। तो दोस्तों मैंने इसको ना ऐसे रख लिया, ऐसे सही से आ रहा है। अब इस पे मिट्टी डाल देते हैं यार। इन्हीं हाथों से लेके आए थे हम और इन्हीं हाथों से अब दफना दिया। और बिग लॉस हो गया यार, पैसों का भी नुकसान हुआ और फीलिंग्स का अलग से नुकसान हुआ। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें यार, ताकि हम नए नए और परिंदे भी लेके आएं। काफ़ी लॉस हो चुका हमें, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर भी करें फ्रेंड के साथ, ताकि हमारा जो चैनल है ग्रोथ करे, मोनेटाइज हो, फिर हम नए नए परिंदे लेके आएंगे। मोनेटाइज होगा तब ही पैसे आएंगे, फिर ही हम नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए बहुत। अजमेर भाई जी बंद करें यार व्लॉग यहीं पे। ठीक है भाई जान, व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ। जैसा भी लगा हो आपको, दुखी हो गए आप भी यार जैसे मैं हुआ। तो मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।